बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेट्रोपॉलिटन स्कूल से मैं आपकी उर्दू की टीचर आपसे मुखातिब हूँ। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। प्यारे बच्चों, ये आपकी दूसरी जमात की किताब गेंदा है। बच्चों, पिछले हफ्ते आप सब ने नज़म हम पढ़ी थी। आपने नज़म हम की खुशखती कॉपी में की थी। अल्फाज मायने मैंने आपको करवाए थे। आज हम नज़म हम पढ़ेंगे और कॉपी में इसके सवाल जवाब तहरीर करेंगे। तो बेटा, इसका हम अयादा करते हैं। नज़म हम का सफ़र नंबर 1 खोलें और नज़म हम की बुलंद खानी आप सब मेरे साथ कीजिए। नाम है उसका रहमान, नाजिल किया कुरान, बनाया हर इंसान, सिखाया फिर बयान, दरिया समंदर और बयाबान और ऊंचे पहाड़ आलीशान, बिछाई उसी ने जमीन, उठाया ऊंचा आसमान, हो खूबियाँ क्या क्या बयान, वो है मेरा खुदा मेहरबान। तो बेटा, इसको हम पहले भी पिछले हफ्ते भी आपने इस नज़म को पढ़ा था। आज हमने इसका अयादा किया है। अब इसकी थोड़ी सी तशरीह ज़हन में हम रिवाइज़ करते हैं जो मैंने आपको बताई थी। नाम है उसका रहमान के अल्लाह ताला के 99 नाम है, यानी कि 99 नाम है। उनमें से एक नाम रहमान है और रहमान के मायने हैं मेहरबान। नाजिल किया कुरान, कुरान अल्लाह पाक ने इंसानों की हिदायत के लिए नाजिल किया है। और आप सब जानते हैं कि कुरान पाक अल्लाह ताला की आखिरी किताब है और ये हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वाले वसल्लम पर नाजिल हुई है। बनाया हर इंसान, आपको पता है ये पूरी कायनात, ये पूरी दुनिया अल्लाह ताला ने तख्लीक की है और इसमें हम इंसान को अशरफुल मखलूकात बना के इस दुनिया में भेजा है। आपको पता है हम अशरफुल मखलूकात जो हैं, हम इंसान हैं, हम चीज़ नहीं हैं, जिंदा हैं। तो हमें अशरफुल मखलूकात का दर्जा अल्लाह ताला ने दिया है जो सबसे बुलंद है। सिखाया फिर बयान, अल्लाह पाक ने हमें अपना कुरान पाक जब नाजिल किया, अल्लाह ताला ने हमें उसके तलावत का तरीका बताया। उस कुरान पाक से हमें हिदायत मिली, अच्छाई और बुराई में तमीज़ करने का सलीका सिखाया। तो ये हमारे लिए हर चीज़ का, हर मुश्किल का, हर परेशानी का हल हमारे पास कुरान पाक में मौजूद है। दरिया समंदर और बयाबान, दरिया देखे ना आपने, कितने हसीन होते हैं, कितने बड़े वसी होते हैं। ये अल्लाह पाक की ज़ात के अलावा किसी में ताकत नहीं है कि इसको बना सकें। ये सब अल्लाह ताला के तख्लीक हैं, अल्लाह ताला की शान बयान करती हैं ये। और जो समंदर भी है, ये सब अल्लाह ताला की है। और ये बयाबान है ना, बयाबान मैंने आपको बताया था, सहरा को कहते हैं, जहाँ सिर्फ रेत ही रेत होती है, वहाँ पे आबादी नहीं होती। देख रहे हैं आप इसमें बयाबान सहरा कैसी है यहाँ पे। और अच्छा, यहाँ पे क्या सवारी क्या होती है, ऊँट की सवारी होती है। उसके बाद है और ऊंचे पहाड़ आलीशान, ये आलीशान पहाड़ देखे आपने, इनकी खूबसूरती एक अलग ही अंदाज में अल्लाह ताला की तारीफ बयान कर रही है। पहाड़ की चोटियाँ बहुत बुलंद होती है, बहुत ऊंचाई पर होती हैं और यह हमारे प्यारे अल्लाह पाक के अलावा कोई तख्लीक नहीं कर सकता, किसी में इतनी ताकत नहीं है। बिछाई उसी ने ज़मीन, अल्लाह ताला ने ये ज़मीन को तख्लीक किया, पूरी कायनात को तख्लीक किया। ये ज़मीन, इस ज़मीन पे जो सजावट बाग
फसलें, ये सब अल्लाह ताला की तख्लीक करदा हैं। उठाया ऊंचा आसमान, ये आप देख रहे हैं ऊपर ऊंचा नीला नीला आसमान, कितनी खूबसूरती लगते हैं। ये कोई ये किसी सहारे के खड़े नहीं है कि जैसे एक छत को खड़ा करने के लिए दीवार की जरूरत होती है ना, मगर अल्लाह ताला ने ये आसमान को बगैर सहारे के खड़ा किया है। तो ये अल्लाह ताला की शान है मेरे प्यारे, अल्लाह पाक की शान है जिसने ये आसमान खड़ा कर दिया। इस आसमान से पानी बरसाया अल्लाह ताला ने बारिश की सूरत में, इधर परिंदे उड़ते हैं, कैसी शान है अल्लाह पाक की। हूँ खूबियाँ क्या क्या बयान, वो है मेरा खुदा मेहरबान। अल्लाह ताला की हम खूबी बयान नहीं कर सकते, अल्लाह ताला ने हमें अपनी नेमतों से नवाजा है। हमें अल्लाह ताला की हर चीज़, हर नेमतों का शुक्र अदा करना चाहिए। तो बेटा आप सब अपनी कॉपी निकालिए, नज़म हम के मैं आपको सवाल जवाब लिखवाऊंगी। अच्छा पहले तो बेटा ये कि आप नज़म हम का टाइटल पेज लिखेंगे, उसके बाद आप सेकंड कॉलम में लाइन ड्रॉ करेंगे, और आपको बहुत अच्छी खुशहद राइटिंग करनी है, बहुत अच्छे तरीके से लिखना है। और आप सवाल नंबर एक पे आइए। सवाल नंबर एक क्या है हमारा, हम में रहमान किसे कहा गया है। सवाल नंबर एक है, हम में रहमान किसे कहा गया है। तो सेकंड लाइन में इसका आप जवाब लिखिए, एक एक लाइन छोड़ के लिखना है। हम में रहमान अल्लाह ताला को कहा गया है, इसका जवाब है हम में रहमान अल्लाह ताला को कहा गया है। अब आ जाइए सवाल नंबर दो, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ों के नाम हम में से पढ़कर लिखें। अब आपको क्या है, चीज़ों के नाम लिखें, ठीक है। इसमें आपको कौन कौन सी चीज़ें अल्लाह ताला ने बनाई हैं, तो आप इसका जवाब लिखेंगे, अल्लाह ताला की बनाई हुई चीज़ें इंसान, दरिया, समंदर, बयाबान, जमीन और आसमान हैं। ये अल्लाह ताला की हम में से जो देख के आपने ना जवाब लिखा है वो ये है। अब आइए सवाल नंबर तीन, अल्लाह ताला की खूबियाँ बेशुमार हैं, कम अज़ कम पांच खूबियाँ लिखिए। आपको पता है ना कि अल्लाह ताला की कितनी खूबियाँ हैं, मगर उनमें से आप वो पांच खूबियां मैं यहाँ लिखवा रही हूँ। कौन कौन सी खूबियां हैं अल्लाह ताला की। अल्लाह ताला तमाम मखलूक का राजिक है, यानी कि अल्लाह ताला मखलूक को रिस्क देने वाले हैं। अल्लाह ताला तमाम कायनात का मालिक है, यानी कि अल्लाह पाक तमाम दुनिया के मालिक हैं। नंबर थ्री है, अल्लाह ताला मेहरबान है, अल्लाह पाक अपने बंदों पर बहुत मेहरबानी करते हैं। नंबर चार है, अल्लाह ताला रहम करने वाला है, अल्लाह ताला बहुत रहीम व करीम है। तो नंबर चार पे आप क्या लिखेंगे, अल्लाह ताला रहम करने वाला है। नंबर पांच, अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ करने वाला है। क्या है नंबर पांच, अल्लाह ताला अपने बंदों को माफ करने वाला है। अब आ जाइए आप सवाल नंबर चार, इस हम में से हम आवाज़ मिलते जुलते अल्फाज चुनकर लिखेंगे, जिसकी आवाज़ आपके साउंड एक जैसे हैं आप वो लिखेंगे। मसलन आपको दिखाया हुआ है सवाल में के रहमान के साथ यहाँ पे कुरान लिखा हुआ है, हम आवाज़ वाला, ठीक है। तो आपको अब क्या, कौन सी नज़्म में है, इंसान दिया हुआ है, इंसान के साथ आपको लिखना है रहमान।
फिर आपको दिया हुआ है जमीन, जमीन के साथ आप लिखेंगे आसमान। फिर आपको दिया हुआ है बयाबान, बयाबान के साथ आप लिखेंगे आलीशान। लास्ट में है आपका बयान, बयान के साथ है मेहरबान। तो बेटा ये आपके हो गए हम के 4 सवाल जवाब। 1 पेज पे आपके 2 क्वेश्चन आंसर आएंगे, सवाल आएंगे उसके जवाब आएंगे। दूसरे पेज पे आपके 2 सवाल और उसके जवाब आप ये तैयारी करेंगे, यानी कि सवाल नंबर 1 और 2 एक पेज पे आ जाएगा, सवाल नंबर 3 और 4 आपके दूसरे पेज पे आएंगे। और आपका टास्क ये है कि आपको ये सवाल जवाब लिखने हैं, याद करने हैं और बहुत अच्छी राइटिंग में भी करने हैं। अच्छा बेटा, अब इस हफ्ते का हमारा ये काम मुकम्मल हो गया। अगले हफ्ते नए सबक के साथ मैं फिर हाजिर होंगी इंशाल्लाह। अगले हफ्ते के लिए अल्लाह हाफिज़।